तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर सूरज पुरिया और आज आपका स्वागत करते हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। सो आज का टॉपिक कुछ डिफरेंट है, कुछ कंपैरिजन से रिलेटेड टॉपिक है जो कि काफ़ी डिमांड आ रही थी कमेंट्स में भी, और वो पिछले जब से चैनल हमने बनाया ना जब से चालू हो गई थी, जब से पहली वीडियो गई थी, और उस टॉपिक का नाम है कंपैरिजन करो। और कौन सा कंपैरिजन? इन कॉलेजेस के बीच में, NIT गलगोटिया और GL बजाज के बीच। अगर आप चाहते हो उस चीज़ के बारे में जानकारी लेना तो बेहतर होगा कॉलेज में विजिट करो, ठीक है? कॉलेज में विजिट करो और कॉलेज में जाके पता लगाओ क्या क्या उसकी क्या क्या वो फीस ले रहा है, क्या फैसिलिटी दे रहा है, सब चीज़ ये कॉलेज में जाके पता चलती है, कोई वीडियो के थ्रू इतना एग्जैक्टली बता नहीं सकता। दोस्तों, ये टॉपिक जो है काफ़ी दिनों से ट्रेंडिंग में चल रहा था मेरे यूट्यूब चैनल पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बना देते हैं एक बार। सो ज़्यादा तो मैंने इकट्ठी नहीं करी इधर उधर से, आपको ज़्यादा चाहिए तो एग्जैक्ट साइट पर जाके देख सकते हैं, फालतू का वही ड्रामा होगा, मैं उधर से इकट्ठी करूँगा आपको परोसूंगा वीडियो में, तो आप जाके देख लेना। पर मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि इन तीनों में कौन सा कॉलेज को किस स्थान पर आपको रखना चाहिए, तो वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। अब ऐसा नहीं है कि मेरी रैंकिंग देख के आप 1, 2, 3 डिसाइड कर लो और सीधे पहुँच जाओ गड्डी लेके। जो हमारा टाइम था 2016 से 2020 तक का और आज के टाइम में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव और बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है, फीस से रिलेटेड भी, कोर्सेज से रिलेटेड भी बहुत डिफरेंस आ जाता है, 4 साल की बात रहती है, प्लेसमेंट में भी डिफरेंस आता है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, इसका शुभारंभ करा जाए। ये जो NIT कॉलेज है अपना, इसे बताया जाता है कि ये 2001 में एस्टेब्लिश हुआ, तो 2017 में नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज इसे बताया गया था और नंबर 3 पे था मेरे हिसाब से, 3 या 2 पे था, आज भी है, ठीक है? तो उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, अच्छा कॉलेज है। और कुछ मेरे फ्रेंड्स के साथ के ये भी बताते थे कि इसमें यूपी में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो प्राइवेट इंजीनियरिंग के बच्चे हैं कॉलेज, वो इसी में हैं सबसे ज़्यादा। अब ये झूठ है या सच है, पर मेरे को ये एक नहीं काफ़ी बंदों ने बताई थी, ठीक है? सो मैं मेरी बात को आप पत्थर की लकीर मत ले लेना हर बात को, ठीक है? तो इस कॉलेज में भी वही कोर्सेस अवेलेबल हैं जो सब में रहते हैं नॉर्मली। वैसे तो मेनली ये BTech का कॉलेज है, BTech एंड इसमें BPharma भी है, MTech भी है, और तुम्हारा MPharma, MCA, MBA, Biotech वगैरह ये सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं, और प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी है। कोविड, आज के जो कोविड का समय चल रहा है इसमें भी ये समझ लो 80 से 85% बंदों की प्लेसमेंट हुई है। सो प्लेसमेंट आप समझ सकते हो कितनी अच्छी प्लेसमेंट है, और हर ब्रांच की अलग अलग प्लेसमेंट रहती है, ये नहीं कह सकता कि मैंने प्लेसमेंट अच्छी आपको बता दी तो आप सबको एक ही कैटेगरी में डाल दो कि सबकी प्लेसमेंट अच्छी है हर ब्रांच की, ठीक है? IT, CS, EC वगैरह की प्लेसमेंट अच्छी है, सिविल वगैरह की कम होती चली जाती है, ठीक है? तो इसमें कंपनीज भी आती हैं जो कि रेगुलर कंपनीज है, वो हर साल आती हैं, और मेरे पे तो आज भी मैसेज आते हैं भाई कंपनी तो बहुत आती हैं, कॉलेज आपको पूरी अपॉर्चुनिटी देगा, छप्पड़ फाड़ के अपॉर्चुनिटी देगा, बस आपकी ऊपर डिपेंड है, आप अपॉर्चुनिटी को जब्त कर पाते हो नहीं कर पाते, ठीक है? ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो कॉलेज तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी देगा, एसेंचर, SCL, कैप जेमनी, वर्चुसा, वेटीजोन, TCS, बायजू, कैप जेमनी, इन्फोसिस, L, ठीक है? ये सब कंपनी आती है, बहुत सारी है, लॉन्ग लिस्ट है, अब सारी बताने बैठ गया तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, अभी 2 की और बतानी है मेरे को। सो ये कंपनी आती है, काफ़ी कंपनी आती है, प्लेसमेंट भी अच्छा है, ठीक है? और पर थोड़ा बहुत आपको अपनी नॉलेज भी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है? जो जो क्राइटेरियाज को फुलफिल करना पड़ेगा जो कंपनी मांग रही है, जैसे कि 70% या 65% मांगती है, हर कंपनी का अलग क्राइटेरिया रहता है, BTech में इतने मिनिमम परसेंट रहने चाहिए, वो नहीं हुए तो आपको बैठने भी नहीं दिया जाएगा कंपनी में। सो वो तो फुलफिल आप कर लोगे, 65-60% तो आप ले आओगे, BTech में एडमिशन ले रहे हो, 10 लाख रुपये खर्च कर रहे हो 4 साल में, तो इतना तो यार बनता है, तुम करो यार, ठीक है? सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो कि मैंने साइट्स पे से देखा था, अभी मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, जो हाँ हाईएस्ट पैकेज है वो गया 25 लाख, अब वो पता नहीं, मुझे नहीं पता, पर मिनिमम पैकेज 2.5 लाख से 25 लाख के करीब गया है इसमें, और पर एनम की बता रहा हूँ मैं, ठीक है? और ये जो जब मैं गया था उस टाइम एडमिशन लेने, मैं अपनी भी बता देता हूँ, तो मैं एक कैबिन में गया डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट एडमिशन लेने गया था, कोई मैंने ऐसा नहीं था कि मैंने UPSC EE का पेपर दिया या मेंस के मार्क्स पे देने गया, मैं डायरेक्ट एडमिशन गया था, मैं झोले लेके चल दिया, मैंने कि ये रहे मेरे 12th के मार्क्स, मैंने मारे उनके मुंह पे, मेरे को एडमिशन देना हो दे दो। उनने कोई अपने खाना पूर्ति के लिए एक टेस्ट बताया कि कंप्यूटर पर बैठ जाओ, हल्का फुल्का टेस्ट, उसमें मैंने लिया है, 2-4 नंबर आ गए, फिर उसने वैसे ही कहने लगा इस कैबिन में चले जाओ, ऐसा मुड़ के ऐसे चले जाओ, वहाँ एक टीचर बैठे थे, उन्होंने 2-4 क्वेश्चन पूछ लिए फिजिक्स के, मैंने बता दिए, फिर मैंने कि वो कहने लगे, मैंने कही CS ब्रांच दो, वो कहने लगे CS ब्रांच नहीं है, और फिर EC में कन्वर्ट करवा दिया मैंने, पहले तो EN में करवाया, फिर उसके बाद एप्लीकेशन डाल के EC में हो गया था, और मैंने वो अपनी कहानी बता रखी है क्या पूरा सोर्स है, इसमें नहीं बताऊँगा नहीं तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, पूरी वेब सीरीज बन जाएगी, तो मैं उसको अवॉइड करना चाहूँगा जो मेरा एडमिशन है। और हाँ, मेरे को जब मैं उस टाइम गया था तो रैंक 1 बताया था, उस टाइम भी मेरे को NIRF रैंक कुछ होती है, रैंक 1 बताया गया था कॉलेज द्वारा, और
हाईएस्ट पैकेज 13 लाख पर एनम बताया था, जहाँ तक मेरे को याद है 13 लाख पर एनम मेरे को हाईएस्ट पैकेज बताया था, मिनिमम 2.5 लाख पर एनम बताया था जब मैं गया था। और मैं देख के काफ़ी खुश हुआ, मैंने कि चलो अब तो एक बार आप कॉलेज में चले जाओगे ना, आपको ऐसा लगेगा भाई यही बेस्ट है, ऐसा घुमा देंगे आपका माइंड, ठीक है। तो वैसे अच्छा कॉलेज था मेरे हिसाब से, मैंने कि फिर मैंने घर पर बताई सीधी और एडमिशन अगले दिन पैसे जमा करवा दिए, एडमिशन ले लिया, ठीक है। एडमिशन आप जो फीस है वो किस्तों में भी जमा कर सकते हो, कुछ एप्लीकेशन डालनी पड़ती है डायरेक्टर को, वो किस्तों में आप कितनी किस्त देना चाहते हो, 3 बार में या 2 बार में या 4 बार में दे सकते हो, नहीं तो पूरी भी आप देख सकते हो, ठीक है। और ये कॉलेज बता दूँ, ये अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल साइट ये 14 एकड़ में फैला हुआ है, और मुझको लगता भी है 2 बिल्डिंग को मिला के 14 ईयर में ज़्यादा रहती है, 2nd ईयर में जो है फीस कम हो जाती है, ठीक है। वही जो जैसे मेरी 1st ईयर में 1,20,000 थी, फिर नेक्स्ट ईयर से 1 लाख हो गई, 3 साल 1 लाख रही, और जो स्कॉलरशिप अमाउंट है उसका आधा आता है, जैसे 50,000 रुपये, ठीक है, हाँ उतना ही आता है, 50-52 हज़ार रुपये, वो कैटेगरी के हिसाब से रहता है। जैसे जनरल वालों की सबसे कम आएगी वो तो आपको पता ही है, SC ST OBC वालों को ज़्यादा अमाउंट आएगा, अगर कोई हॉस्टल से बिलोंग करता है तो उसका हॉस्टल का भी मिला के उसका हाफ बनेगा, ठीक है। और जैसे नॉन हॉस्टल वाले के 53,000 रुपये स्कॉलरशिप आ रही, तो हॉस्टल वाले की 63 आएगी, हॉस्टल का भी आधा मिला जाएगा। तो स्कॉलरशिप का बहुत रोना धोना है NIT में, तो मैं मिनिमम बताऊंगा कि जो स्कॉलरशिप का जो सिस्टम है ना, जो ये समझ लो मेंटेनेंस का सिस्टम है, कुछ भी कह लो, कुछ बताते नहीं है एक तो ढंग से स्कॉलरशिप के बारे में, और मुझे लगता है ये रोक भी लेते हैं स्कॉलरशिप के मामले में मैं बिल्कुल पिछड़ा हुआ मानूंगा, बिल्कुल स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। ये तो मैं आपको आज बता दे रहा हूँ, आप एडमिशन लेने से पहले मैं आपको सीधा बता दे रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम आई है स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने में हमें, और एक बार निकली है वो भी जैसे तैसे निकलवाई है। तो भाइयों नेक्स्ट कॉलेज है हमारा GL बजाज कॉलेज, ठीक है, जैसे मैंने अपने हिसाब से मैं उसे 1 पर मानता हूँ, क्योंकि वो उसमें रूल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, मजाक की बात नहीं है, कहने की बात नहीं है, स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। NIT में क्या है, 1st ईयर में ही थोड़ा स्कूल वाले रूल्स रहेंगे, 2nd 3rd ईयर में आपको रिलीज दे दिया जाएगा, ठीक है, कॉलेज वाली फीलिंग आ जाएगी। बट NIT में यार प्लेसमेंट तो अच्छी है भाई, जिसे पढ़ने के हिसाब से जा रहा है वो पढ़ने के हिसाब से खूब लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें 4 साल आपको ड्रेस रहेगी, ड्रेस के साथ साथ आपको पूरे स्कूल वाले रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, अगर 9 जो उसका टाइम है 9 या 10 बजे सुबह, अगर उससे लेट हो गए तो आपको गेट के बाहर खड़ा रहना पड़ेगा जब तक दूसरा लेक्चर नहीं स्टार्ट हो जाता, गेट के बाहर ही खड़े। हम जाते थे कॉलेज से निकल के, हमने स्टूडेंट ड्रेस पहन पहन के बाहर खड़े हैं, कुत्ते बिल्ली इनकी तरह, बताओ हम जा रहे हैं अपने 10 बजे, हमें जब जा रहे हैं जब एंट्री मिल ली है, तो ये ऐसे खड़े रहते थे बाहर, मैंने कि लो और लो जी जा रहे हैं, ठीक है, और करो पढ़ाई। तो पढ़ाई काफ़ी अच्छी है, उसमें टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, टीचर्स तो नो डाउट हमारे कॉलेज में भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, ठीक है, कोई भी डाउट हो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, सिलेबस पूरा कंप्लीट कराते हैं, कोई डाउट नहीं रहने देते, जितनी बार आपको पूछोगे उतनी बार उनके कैबिन में जा सकते हो, वो बताएंगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी उससे रिलेटेड। आपके पर्सनल कैरियर से आपको कुछ पूछना है तो वो भी बताएंगे, आपको जिंदगी में क्या करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते, टीचर बहुत सपोर्टिव है NIT के, एटलीस्ट मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के, मैं ज़्यादा नहीं था पूछने क्योंकि मेरा पढ़ाई में शुरू में इतना इंटरेस्ट था नहीं, ठीक है, वैसे अपना टाइम पास। तो अब GL बजाज बात हैं, GL बजाज में भी काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं, और ये जो इसका उद्घाटन हुआ था वो 2005 में हुआ था सूत्रों के मुताबिक, ठीक है, अभी मैं तो था 2005 में बहुत छोटा था, तो मैं कहाँ देखने गया हूँ, तो सूत्रों के मुताबिक जो मैंने ऑफिशियल साइट पर देखा वो 2005 दिखा रहा है इसका जन्म, जो GL बजाज का जन्म हुआ था 2005 में हुआ था, और एक GL बजाज यहाँ भी यहाँ पे है और एक मथुरा में भी है, जो मेन GL बजाज है वो यही है, ठीक है, हाँ मतलब इसकी रैंकिंग ज़्यादा अच्छी है, वो तो वैसे ही है गणेश, और इसका फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी, गणेश श्री गणेश लाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, और इसमें भी वही कोर्सेज अवेलेबल है, बीटेक एमटेक एमबीए एमसीए, ठीक है, और इनकी ड्यूरेशन तो आपको पता ही होगी, बीटेक की 4 साल होती है, एमटेक की 2 साल होती है, एमबीए की 2 साल, एमसीए की 3 साल, ये तो आपको पता होनी चाहिए मिनिमम अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो, ठीक है, ऐसा तो यानी बिल्कुल पालने में खेलते हुए बच्चे हो, कुछ भी जानकारी नहीं, सब मैं ही बताऊंगा वीडियो, थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। वैसे ये है, ये आपके लिए हेल्पिंग वीडियो, सपोर्टिंग वीडियो, इस वीडियो को जाओगे तो आप थोड़ा बहुत बहस कर सकते हैं, वहाँ जाके कॉलेज में आके छाती पे जाओगे, अपनी छाती पे लेके जाना इस वीडियो को। और एलिजिबिलिटी वही है, हाँ मैं एलिजिबिलिटी और बता दूँ इन कॉलेजेस की, कुछ बंदे पूछ रहे थे भाई एलिजिबिलिटी क्या है, क्या लेके जाएं, कैसे एडमिशन होगा, भाई ये सब इनकी साइटों पर कहने के लिए लिखा रहता है, इतने परसेंटेज चाहिए, आप कॉलेज में जाओ जब बात करो जो आपको बिल्कुल साफ क्लियर तस्वीर, आपकी तस्वीर साफ हो जाएगी कैसा एडमिशन क्या है, तो ये गेट उसके आधार पे भी लेते हैं। मेरा दोस्त था उसके 59 या 49 के करीब नंबर थे मेंस में, उसने ऐसे दे दिया था तो उसके बेसिस पे उसका एडमिशन हो गया था, ठीक है, कि तुम्हारे इसमें नंबर है इसलिए हम तुम्हें ले रहे हैं, तो वो कहने की बात है डोनेशंस के बेसिस पे भी होता है, 12th के मार्क्स पे भी होता है, मेरा मैं तो गया था, मैंने डायरेक्ट 12th के मार्क्स दिखाए, मेरे अच्छे नंबर थे 12th में, तो मैंने दिखाए अच्छे, मतलब ठीक थे, ऐसा नहीं है 102% ठीक है, तो मैंने अपने नंबर दिखाए उन्हें, वो कहने लगे कि CS ब्रांच तो नहीं मिलेगी, मैं काफ़ी लेट गया था,
सीट फुल हो चुकी थी तो इसलिए नहीं मिल पाई। तो जीएल बजाज में भी वही एलिजिबल क्राइटेरिया UPSEE के थ्रू काउंसलिंग के थ्रू भी लेते हैं बंदे, डायरेक्ट एडमिशन भी लेते हैं और मेंस के एग्जाम के बेसिस पे भी लेते हैं और जो अदर ब्रांचेस में जाना जैसे आपको MBA MTech वगैरह तो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जैसे कैट गेट इनके बेसिस पे भी आपको एडमिशन लिया जाता है ठीक है। और जितने आपके अच्छे नंबर्स होंगे चांसेस आपको डिस्काउंट भी मिल जाए कुछ 10-15 हज़ार, तो मुझे तो मिला नहीं 1 रुपया भी ठीक है, आज तक 1 रुपया डिस्काउंट नहीं मिला हमें कभी। तो आपके चांसेस हैं, बढ़ जाते हैं कि आपके अच्छे नंबर हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाए। और फीस मैं बता दूं, जब मैं गया था उस टाइम इस मैकेनिकल में मेरा कोई फिक्स नहीं था मैं कौन सी ब्रांच लेने जा रहा हूँ, मैंने कि जो हाथ पड़ जाए ले लो। जीएल बजाज मेरे मन में थी लेने की पर मैंने बाद में लिया नहीं कुछ सर्कमस्टांसेस के चलते। तो मेरे को जब मैं एम लेने गया था एडमिशन तो मैकेनिकल की फीस 1,60,000 बताई थी पर एनम, बिल्कुल एग्जैक्ट याद है मुझे। और अगले साल से वही 1,10,000-20,000 हो जाती, कम हो जाती। और अब ये मत समझना 1,60,000 है, अब तो 2 लाख के करीब हो गई होगी ठीक है। अब ऑफिशियल साइट्स के हिसाब से 2.5 लाख रुपये 2.25 बता रहा है इसी की आज की डेट में। तो काफ़ी 4 साल में बहुत फीस बढ़ी है ठीक है, बहुत ज़्यादा। और कमाई भी तो बढ़ गई है लोगों की, तो फीस भी बढ़ाएंगे तुम्हारी कमाई बढ़ेगी तो फीस बढ़ाएंगे। पैकेज वही है मिनिमम 3.5 लाख से हाईएस्ट इस बार बता रहे हैं कि 16 लाख पैकेज गया तो गया होगा। कुछ कुछ बंदे रहते हैं टैलेंटेड जिनको हाईएस्ट पैकेज मिल जाता है। अब मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, कॉलेज पूरी अपॉर्चुनिटी देगा। मेरे पे अब तक मैसेज आते हैं NIT के, अब तक मेल आते हैं रोज कि ये कंपनी में रजिस्टर कर दो, इस कंपनी में रजिस्टर कर दो प्लेसमेंट की। हालांकि मैंने प्लेसमेंट में बैठा नहीं हूँ, मैंने ली नहीं है, आपको बता दूँ मैंने किसी भी वीडियो में बताई नहीं है। मैं आपको अपनी जर्नी एक और वीडियो में बताऊंगा अगर आप डिमांड करोगे तो मैंने प्लेसमेंट ली नहीं है, किसी भी प्लेसमेंट में नहीं बैठा हूँ। एक दो को ऐसे बैठ गया था मौज में विप्रो वगैरह में, ऐसे टेस्ट दिया था, मैं किसी भी प्लेसमेंट में बैठा नहीं हूँ अभी तक। तो जो हाईएस्ट पैकेज है 16 लाख बता रहे हैं, जाता है इतना कोई लिखने के बाद। 11.5 एकड़ में फैला हुआ कॉलेज है, एक ही बिल्डिंग है इसकी, इसकी नहीं है दो बिल्डिंग, हमारे कॉलेज की दो बिल्डिंग है। और अब नेक्स्ट कॉलेज पे हम स्विच करते हैं ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है जो मैंने बताया तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पोस्ट कर सकते हो, आपको रिप्लाई बिल्कुल आपके छाती पे दिया। तो भाइयों अब आते हैं गलगोटिया कॉलेज, नाम इसका बहुत ज़्यादा है, काफ़ी नाम है इसका। गलगोटिया के दो बिल्डिंग है, आप कन्फ्यूज मत होना, एक बिल्डिंग आपके हाईवे पे है तो ग्रेटर नोएडा में है, थोड़ी अलग बिल्डिंग है उसमें बहुत सारे वाइड रेंज में कोर्सेज अवेलेबल हैं ठीक है, वो यूनिवर्सिटी है वो। पर ये जो ग्रेटर नोएडा में जो अपने परी चौक के पास है कॉलेज है गलगोटिया कॉलेज, और इसमें काफ़ी कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसमें भी ये भी AKTU से अफिलेटेड है, जो जेल बजाज बताया था वो भी AKTU से था, NIT भी AKTU से। गलगोटिया कॉलेज भी काफ़ी नामी कॉलेज है, काफ़ी पुराना कॉलेज है, पर मैंने साइट पर देखा था तो मैं कन्फ्यूज हुआ कि उसमें लिख रखा था कि 2011 में इसका जन्म हुआ है, 2011 में एस्टेब्लिश हुआ, पर मेरे सुनने में आती है कि NIT से भी पुराना है कॉलेज, पर पता नहीं, आप एक बार चेक कर लेना इसका जन्म कब हुआ था। और काफ़ी अच्छा कॉलेज है गलगोटिया कॉलेज, गलगोटिया तो खुद में ही एक फुल फॉर्म है तो इसमें कुछ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये तीनों कॉलेज जो हैं इंडिया में टॉप 50 के अंदर आते हैं, उसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। और इसमें भी सारे कोर्सेज अवेलेबल, CSIT सी मैकेनिकल की सारी ब्रांचेस अवेलेबल हैं। ये तो BTech की आपको ब्रांचेस पता होगी कॉमन, जब आप BTech में एडमिशन लेने जा रहे हो तो आपको ये ब्रांचेस तो पता ही होनी चाहिए, ये भी मैं ही बताऊँगा। तो इसमें भी MTech, BTech, BArchitect ठीक है, BCA, MCA काफ़ी कोर्सेज अवेलेबल हैं। और इसमें कंपनी भी काफ़ी आती है, PTM, Cognizant, Infosys, Wipro, Amazon, मैक्सिमम कंपनी कॉमन रहती है सारे कॉलेज में, जैसे कि जो हमारे कॉलेज में आ रही हैं वही सेम उसमें आ रही हैं। ये ऐसा रहती है कि जैसे सुबह इसमें आई शाम को उसमें चले गई, वहाँ से उठा लिए बच्चे, फिर सब सुबह आई फिर दोबारा उस कॉलेज में, मतलब वो सेम ही कंपनी रहती है, चक्कर काटती रहती है कौन सा कॉलेज में कितना दाम है बुला लो, किस कॉलेज के मैं कितना दाम है वो उतनी कंपनी। क्राइटेरिया वही है, डायरेक्ट भी होता है, डोनेशन के थ्रू भी होता है, UPSEE की रैंकिंग के थ्रू भी होता है। UPSEE मतलब UPSEE, इसे एक UPTU भी कहा जाता था, एक एंट्रेंस रहता है 12th के बाद दिया जाता है, इसके बेसिस पर कॉलेज में काउंसलिंग होती है और एडमिशन होते हैं। हॉस्टल की सुविधा सब जगह है, तीनों कॉलेज में हॉस्टल की सुविधा है, हमारे कॉलेज में भी है, NIT कॉलेज में भी। आप बाहर रहना चाहो बाहर रह सकते हो किसी PG वगैरह में हॉस्टल में ठीक है, बहुत सारे अवेलेबल हैं। आपको बाहर एजेंट आ जाते हैं, कार्ड बांटते फिरते हैं, हमारा हॉस्टल लो हमारा हॉस्टल लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कॉलेज एरिया है तो आपको रहने की सुविधा, रहने खाने की सुविधा भी वहाँ अवेलेबल हो जाएगी। वैसे कॉलेज की तरफ से भी हॉस्टल्स अवेलेबल हैं, तो जहाँ तक मेरी जानने में आया कि गर्ल उसमें जीएल बजाज में गर्ल्स हॉस्टल नहीं है ठीक है, तो वो आप एक बार कंफर्म कर लेना। मैंने देखा है कहीं से सुना है कि कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल नहीं है, बॉयज़ हॉस्टल है ओनली, तो वो उस पर आप एक बार फोकस कर लेना। आज की डेट में फीस भी शायद बढ़ गई होगी, जब उस टाइम 1-2 लाख के करीब थी तो अब तो 2.5-3 लाख हो गई होगी। तो गलगोटिया भी काफ़ी महंगा खेल कॉलेज है, तो आप अपने बजट के हिसाब से देख लो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और इसे सरका देना आगे तक अपने फैमिली मेंबर्स तक, जिसको जरूरत है सब पर पहुंचा देना इस वीडियो को ठीक है। बहुत बंदे होंगे जो सर्च मार रहे होंगे कंपैरिजन, और हमारे चैनल पर तीनों कॉलेज का
ब्लॉग पड़ा हुआ है NIT गलगोटिया जी एल बजाज सबका, जितने भी मेन मेन कॉलेज हैं ग्रेटर नोएडा में सबका ब्लॉग पड़ा हुआ है, लिंक डाल देंगे, देख लेना। आपने नहीं देखा तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, व्यू भी काफ़ी अच्छा है, और अभी तो ट्रेंडिंग में ही है, चल रहे हैं क्योंकि एडमिशन का टाइम है, तो आप उनको भी जाके देख लेना ब्लॉग्स को जाके, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा उनकी बिल्डिंग कैसी है। जय भारत, वंदे मातरम, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।